अभी दर्द देखो आए 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 बहुत दिनों के बाद 15-20 दिन के बाद वापसी। आज है ईद, ईद के भी नमाज़ पढ़ते हैं और आपको ईद मुबारक कहते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है मेरी नानी के लिए दुआ कीजिए, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो आप लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह वो सेट हो जाएंगी, फिट ऐसा फिडल हो जाएगी। तो देखें अभी आसानी भी हो रही है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी जो नहाते हैं आपको एक मैजिक करके दिखाते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ भाई। अबे तुम दोनों क्या कर रहे हो बे? अबे ब्लॉग तुमने ही बुला के खड़ा किया। अबे झूठ नहीं, तुमने ही बुलाया। बाहर आया खड़ा हो बाहर देखो, बाहर देखो क्या मैं देखो कैसे लग रहा हूँ। पहले नमाज पढ़ेंगे उसके बाद आपको ईद मुबारक बोलेंगे, मैंने इनको वीडियो में पहले ही बोल चुका। अब चलते हैं हम नमाज पढ़ने, आ जाओ हमारे साथ। टाइम ये मोबाइल तो लो, चलो अल्लाह हाफिज़। चलो भाई घर की चप्पलें पहन ले, घर की चप्पलें पहनना, कहीं ऐसा ना चोरी हो जाए। हाँ दिखाओ, चलो बैरिंग मस्जिद जाके मिलते हैं आपसे। क्या हुआ? चलो चलो कटो, मस्जिद में मिलते हैं, यहाँ से आ जाऊँगा। तुम फंसोगे तुम। चलो 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 जद्दोजहद, अभी देखना मैं केड़ा होते निकल। अबे ये क्या, अजान हो गई बे, जमात हो गई, कुत्ते बैठे हैं अभी तो। ये तो भाई प्रैंक हो गया। इमाम साहब खुद नहीं आए भाई, देखा इमाम साहब से पहले पहुंच जाते हम लोग, ऐसे इतने नमाजी परहेजगार हैं। इमाम साहब ने धोखा दे दिया, अब हम जा रहे हैं दूसरी मस्जिद में, वहाँ पे जाके चेक करते हैं हो रही है या नहीं हो रही है। ये आपका वर्ल्ड फिट हो गया, यहाँ से आराम से निकल जाता, पहले मुड़ के निकलता था। जब ये गलाजतें अच्छे काम करने के बाद दिल में आ जाती है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के उस नेक अमल को उसके मुंह पर मार देता है और उसका कोई अजर व सवाब उसे नहीं मिलता है। ये ईद का दिन है, इसमें ईद की नमाज है। तो गाइस आ गए हम नमाज पढ़ के, मौलवी साहब ने नमाज कर ख़राब कर दी थी और फिर दोबारा से बड़ी तो लेट हुआ। अस्सलाम वालेकुम, सबर करो सबर करो, ये मैं कर रही हूं। ईद मुबारक, ईद मुबारक।
ये हम नाटक वाटक नहीं कर रहे थे, फर्स्ट टाइम मिले क्योंकि मौलवी साहब ने हमारी जमात जो है ख़राब करवा दी थी, तो क्या कहते हैं फिर हमने दोबारा से पढ़ी तो उस चक्कर में ना मसला हो गया। चलो भाई अब हम जा रहे हैं बाबा से ईद मिलने। हाँ भाई दोबारा तो भाई सबसे ईदी वीदी मिल ली है, अब जो है नाश्ता वगैरह करेंगे और सो जाएंगे। सही है अभी तक तो यही है, फिर उसके बाद जाएंगे हम पहले जहाँ पे रहते थे ना, क्योंकि सारे दोस्त वहीं पर हैं। अभी हमारी अम्मा भी रहती हैं ईद मिलने के लिए, उनसे भी ईद मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर चलेंगे बजट्टा, इससे पहले हम बजट्टा में रहते थे, अब आ गए हम महमूदाबाद TV2। तो बस अभी जाके अजमेर वगैरह से भी मिलते हैं, तो बस अभी सोने चलते हैं, फिर जब जाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे वापस मुलाकात करते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 और अम्मी सो के उठ गई हैं, तैयार व्यार हो गई हैं। मैंने कहा था कि आप तैयार हो जाएं फिर आराम से मिलेंगे। अभी अम्मी थोड़ा ना मंड रही हैं, मतलब खीर खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब अपनी बहन से भी मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बस अब चलते हैं, ईद वगैरह सबसे मिल लिए, अब बजट्टा निकलते हैं जहाँ पे हम पहले रहते थे उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे दोस्त हैं, वहाँ से जो है फिर नानी के घर निकल जाएंगे। भाई बजट्टा आ चुका है लेकिन अभी यहाँ पे कोई है नहीं, तो अब जो है बस खाला वगैरह से मिल के फिर यहाँ से चल रहे हैं डायरेक्ट गुलशन। गुलशन में आपको मेन प्रोसेस दिखाएंगे, ईदी वगैरह वहाँ से मिले थे तो आपको वो दिखाएंगे कितनी ईदी जमा हुई। ये है एमर, सच अ क्यूट बॉय। एमर ईद मिल ले, ईद पहले ईद मिलो, ईद मुबारक करो, बोलो ईद मुबारक। भाग रहा हो, भाग, पकड़ इसको, पकड़ पकड़ इसको। टाटा कर दो इनको, टाटा, अल्लाह हाफिज़ कर दो, यूं कर दो इनको। चलो भाई फाइनली हसनैन शपाटर आ गए हैं, हमारे दोस्त आ गए, मिलते हैं जाके उनसे भी ईद, ईद मिलते ईद। तो भाई हम आ गए हैं नानी के घर, डायरेक्ट इंटर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद आप चले मारो। चलो भाई अल्ताफ भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक। हैं आप कहाँ से आए हो? मैं घर से आया हूँ, ऐसी ईद पे आया हूँ मैं। क्यों? ईद तो अभी स्टार्ट हुई है। चलो भाई ऊपर चलो, ऊपर खानदानी फोटो ईद मुबारक। आई नानी ईद मुबारक, शुरुआत नहीं भाई बस भी मिल ली, ईद हो गई मिल ली।
अब मेन प्रोसेस वो तो अभी आए हो यार, अभी करते हैं। मैंने बोले मैं का ईदी तो पहने लगे मेरे बाद वहां से बोला ईदी अभी आए हो, सबर करो, चाय पियो, पानी पियो, मैं का गेट खोले, चलो ऊपर, चलो ऊपर। बाद में बात करते हैं, अभी नमाज पढ़ें। तो गाइस ये व्लॉग यहीं तक था आज का व्लॉग, कल जो है इंशाल्लाह ईदी जमा होगी, आपको ईदी दिखाएंगे। आज जो है मामू लोग जो है दावत में चले गए, हम लोग नानी के घर पे आए हैं, वरना नानी लोग हमारे घर पे आते हैं। हम लोग नानी के घर पे इसलिए आए हैं क्योंकि नानी की तबीयत खराब है, आपको शुरू में ही बोला है कि आप जो है उनके लिए दुआ कीजिएगा, तो अभी भी बोलता हूँ कि दुआ करिएगा उनके लिए, और बहुत लाजमी सही लाजमी करिएगा। तो बस इस व्लॉग को एंड करते हैं, बाकी जो क्रेजी व्लॉग होगा ना, तफरी फुल तफरी वाला व्लॉग, वो इंशाल्लाह कल आएगा, तो आप ये वाला भी देखिए और कल वाला भी देखिएगा, सही। और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कुछ नहीं, बस अल्लाह हाफिज़।